हेलो चैंपियंस कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से चल रही होगी आपकी मेरे क्लास टेंथ के दोस्तों मैं पी के मिश्रा आपका लेट्स स्कोर हंड्रेड में वेलकम करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस जिसके अंतर्गत फर्स्ट अर्थ समिट एंड एजेंडा ट्वेंटी है पढ़ने वाले हैं आइए शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत क्या है वाई शुड वी पे अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज वी शुड पे अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड फॉर मेनटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ रिसोर्सेज हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं हम सारे लोग जानते हैं सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ सस्टेन करें इस प्लानिट पर उसके लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ही जरूरी है और रिसोर्सेज का होना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही जरूरी है जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं पहले बेसिकली पहले लोगों का यह मानना था या ज़्यादातर तो लोग ये मानते थे कि जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं और लोगों ने इसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया अंधाधुंध यूज किया विदाउट गिविंग अ सेकेंड थाट अबाउट इट कि हमें रिसोर्स कंजर्वेशन पर भी ध्यान देना चाहिए सिंस लोगों ने रिसोर्सेज को अंधाधुंध इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया उसकी वजह से थ्री मेजर प्रॉब्लम्स हैव बीन कॉज्ड जो कि आपके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है है बनता है वॉट वॉट मेजर प्रॉब्लम हैव बिन कॉज्ड ड्यू टू इनडिसक्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और रिसोर्सेस पहला प्रॉब्लम है पहला मेजर प्रॉब्लम है दोस्तों डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिप्लीशन हुआ है डिप्लीशन यानी रिडक्शन हुआ है क्वालिटी का भी रिसोर्सेज की क्वालिटी का भी और रिसोर्सेज की क्वांटिटी का भी क्वालिटी का भी क्वालिटी का कैसे रिडक्शन हुआ है क्वालिटी का रिडक्शन दोस्तों इस तरीके से हुआ है कि द एयर वी ब्रीद क्या आज हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूटेड नहीं हो गया है इन कंपेरिजन टू अगर हम सिक्सटी या सेवेंटी ईयर्स बैक जाएं तो क्या एयर की क्वालिटी आज जैसी ही थी बिल्कुल नहीं आज एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है राइट right? तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि रिसोर्स है और उसकी क्वालिटी डिटेर हो गई है कम हो गई है डिक्रीज हो गई है अब क्वांटिटी में कैसे रिसोर्सेस डिप्लीट हुए हैं डिक्रीज हुए हैं फ्रेंड्स सिटीज एक्सपैंड हो रही हैं आज से 10 12 15 साल पहले जहां पे फॉरेस्ट हुआ करते थे वहां पे न्यू सेटलमेंट्स बन गई हैं सारे ट्रीज एंड फॉरेस्ट को कट किया गया है इन दोनों एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है और ये जो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ बिकॉज और सेटिसफाइंग द नीड ऑफ ग्रीड बेसिकली नॉट नीड सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ हैंडफुल ऑफ इंडिविजुअल कुछ चंद लोगों के ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए ये रिसोर्सेज का डिप्लीशन क्वालिटी एंड क्वांटिटी में हो रहा है दूसरा क्या मेजर प्रॉब्लम हुई है दूसरी मेजर प्रॉब्लम हुई है ेशन ऑफ रिसोर्सिस इन फ्यू हैंड्स दोस्तों आप लोगों ने पढ़ रखा होगा या सुन रखा होगा कि दुनिया की नाइन्टी फाइव परसेंट वेल्थ ओनली फाइव परसेंट लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है और नाइनटी फाइव परसेंट लोगों के बीच में जो फाइव परसेंट वेल्थ बची है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है नहीं आप लोग मतलब समझ सकते हैं कितना ह्यूज गैप है एज फार एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेस इस कॉन्सर्ट क्योंकि कोई भी रिसोर्स आप हासिल करना चाहते हो उसके लिए आपको वेल्थ की जरूरत पड़ती है यानी लैंड एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपको लैंड बाय करना है तो आपको वेल्थ चाहिए उसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता तो बेसिकली इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि एक्यूमिलेशन ऑफ रिसोर्सिस इन फ्यू हैंड्स हो गया है और सोसाइटी मेजरली टू ग्रुप्स में बट गई है रिच एंड पुअर देखते हैं इन टू टू सेगमेंट्स हैव्स मीन्स रिच एंड है अब ेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स इसका मतलब इसके क्या प्रॉब्लम इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं एक्यूबुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स का मतलब की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है सोसाइटी में क्राइम बढ़ता है राइट नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज पहली मेजर प्रॉब्लम है दूसरी मेजर प्रॉब्लम है एक्यूबलेन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स तीसरा हमारा पॉइंट है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस एक बार हम लोग लर्न करने की कोशिश करते हैं कि जो रिसोर्सेस का हम लोगों ने इन हम ह्यूमन बींग्स ने जो रिसोर्सेस का इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया है उसकी वजह से कौन से थ्री प्रॉब्लम्स कौन से थ्री मेजर प्रॉब्लम्स कॉज हुई हैं पहली मेजर प्रॉब्लम है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज ये इतनी हेडिंग याद रखिए बाकी डिटेलिंग आपको याद आ जाएगी डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल दूसरा क्या है हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच लेड टू द डिविजन ऑफ सोसाइटी इन टू रिच एंड पुअर तीसरा क्या है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आइए समझते हैं इस पॉइंट को ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस मींस जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है एंड ग्लोबल वार्मिंग एक इस पिक्चर के थ्रू तो हम लोग समझ सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से किस तरह के खतरे हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ओजोन लेयर डिप्लीशन भी होता है ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं जितने भी इस प्लेनेट पे जितने भी कोस्टल सिटीज या कोस्टल कंट्रीज हैं उनके सबमर्ज होने का खतरा बढ़ जाता है और जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे वाटर लेवल बढ़ेगा कोस्टल सिटीज के आसपास एंड कंट्रीज का तो क्या होगा इंपॉर्टेंट लैंड मार्क्स क्या होगा सबमर्ज हो जाएगा वाटर बॉडीज में तो वैसे भी जो लैंड जिसको अभी हम यूज कर रहे हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से बढ़ती रही जिस तरीके से बढ़ रही है तो क्या होगा वो सिटीज एंड कंट्रीज सबमर्ज हो जाएंगे तो जो लैंड हमारे पास है वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगी पानी में डूब जाएगी वो लैंड राइट ग्लोबल वार्मिंग हमने देखा ओजोन लेयर डिप्लीशन विच इज कॉज बाय ग्लोबल वार्मिंग ओनली राइट तो ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होता है बेसिकली इससे क्या असर पड़ते हैं जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है ओजोन लेयर उसको आने नहीं देता है अर्थ तक लेकिन अगर ओजोन लेयर में ही डिप्लीशन हो जाएगा उसमें ही होल हो जाएगा तो हार्मफुल रेज अर्थ पे जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं उनके लिए बहुत ही हार्मफुल है तो अगेन हम अपने लिए ही खतरा पैदा कर रहे हैं ग्लोबल इकोलॉजी ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस का दूसरा रिजल्ट ये हो रहा है तीसरा है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन दोस्तों इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आज केवल इंडिया की ही प्रॉब्लम नहीं है दुनिया का ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है एक्सेप्शन एक आध दो हो सकते हैं जो एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हो आप लोग अपने दादाजी से बात करिएगा जब वो यंग थे या आपकी एज में थे तो क्या वो एयर एयर प्योरीफायर यूज करते थे बिल्कुल नहीं वो उनको एयर प्योरीफायर यूज करने की जरूरत नहीं थी आई थिंक वो वाटर प्योरीफायर भी नहीं यूज करते होंगे क्योंकि चीजें इतनी पॉल्यूटेड नहीं थी एयर एंड वाटर इतना पॉल्यूटेड नहीं था अगर इसी तरीके से आ, हम इनडिसक्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस करते रहे तो अभी तो हम एयर एंड वाटर को प्यूरिफाई कर रहे हैं फ्यूचर में पता नहीं क्या क्या प्यूरीफाई करना पड़ जाएगा राइट उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है दोस्तों लैंड एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है लैंड डिग्रेडेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है लैंड डिग्रेडेशन की वजह से बेसिकली लैंड डिग्रेडेशन क्या है लैंड की या सॉल की फर्टिलिटी कम हो रही है और लैंड डिग्रेडेशन होने की वजह से भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि क्या क्या क्वेश्चन क्या क्वेश्चन इस पर बन सकता है इस इसपे बेसिकली क्वेश्चन यही बन सकता है कि वाट मेजर प्रॉब्लम्स हैव बिन कॉज्ड ड्यू टू थॉटलेस यूज ऑफ और इनडिसक्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड हम लोगों ने आंसर्स को भी लर्न कर लिया एक बार क्विक रिकैप रिक रिक करते हैं क्या क्या पॉइंट्स है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है एक्यूमिलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स हो रहा है और ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रही है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेसिकली टॉपिक तो यही है नेक्स्ट हम लोग जो टेकअप करने वाले हैं अब इतनी धीरे सारी प्रॉब्लम्स हो रही है तो एक वार्निंग साइन इस पॉइंट को आइए देखते हैं इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज द फ्यूचर ऑफ आर प्लेनेट इज इन डेंजर बेसिकली जो पावरफुल नेशंस हैं जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं या अगर हम इंडिया की बात करें जितने भी रिसोर्सफुल इंडिविजुअल्स हैं हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये अरेंजमेंट है कि भाई रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड उसके रिसोर्सेज के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की अरेंजमेंट भी की गई है बट जो वेल्दी लोग हैं बट जो वेल्दी लोग हैं उनको एक प्रिविलेज है कि वो जितने भी लैंड परचेज करना चाहें जितने भी रिसोर्सेज परचेज करना चाहें कर सकते हैं राइट right? अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अब ग्लोबल पीस बनी रहे और सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ बनी रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस अगर रिसोर्सेज का अमंगस्ट नेशन एंड अमंगस्ट इंडिविजुअल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो सोसाइटीज में क्राइम बढ़ेगा डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगी एंड फिर वो नाइन इलेवन जैसे हमले भी होंगे अगर डायरेक्ट वो पावरफुल नेशन को फेस नहीं कर पाएंगे तो वो छिप छिप करके चुपके से हमला करेंगे एंड फिर टेरिज्म बढ़ता है इस तरीके से ना अब अब इतनी ढेर सारी प्रॉब्लम्स है अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन है एक तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा है रिसोर्स प्लानिंग यानी हम जो रिसोर्सेस को जो हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनको प्लान्ड वे में उनका जुडिशियस वे में यूज करें इस्तेमाल करें सो देर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेन सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ बेसिकली रिसोर्स प्लानिंग एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ सस्टेन करे लॉन्ग टर्म में उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही जरूरी है तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर हम रिसोर्सेज को प्लान नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग भी डायनासोर की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे राइट right? एंड अब सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए क्या जरूरी होता है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी तभी सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हो पाएगा ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ का ऑन दिस प्लैनेट अब एक हमारा नया कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट बात करता है कि भाई प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स है वो कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए एंड प्रेजेंट में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं उसकी वजह से हमारा जो एनवायरमेंट है वो डिग्रेड या पॉल्यूट नहीं होना चाहिए आइए देखते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप इसको सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं दोनों का मतलब एक ही है मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट देखिए डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी है इकोनॉमिक तो डेवलपमेंट बहुत जरूरी है बिना डेवलपमेंट को के तो यू you नो know, कुछ काम होगा गए डेवलपमेंट जरूरी है बट डेवलपमेंट के साथ साथ जो प्रेजेंट में डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ हमें यह भी इंश्योर करना होगा कि हमारा जो एनवायरमेंट जो हमारा एनवायरमेंट है वो पोल्यूट न हो डिग्रेड न हो खराब ना हो तो पहला इसमें दो पार्ट्स हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन में पहला पार्ट है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन जो फ्यूचर जनरेशन की जो नीड है पता चला फ्यूचर जनरेशन को यही पता हम लोग सारे ट्रीज कट करते जा रहे हैं तो फ्यूचर जनरेशन को यही नहीं पता कि फॉरेस्ट क्या होता है राइट एंड फ्यूचर जनरेश को अब जैसे जो आप लोगों की एज के बच्चे हैं हम आप सारे लोग एयर प्यूरीफायर से अवेयर एयर प्यूरीफायर से अवेयर हैं जानते हैं एयर प्यूरीफायर के बारे में बट जैसा मैं हम लोग बात कर रहे थे नानी जी से या दादी जी से या दादा जी से बात करिए कि क्या आपके बचपन में भी एयर प्यूरीफायर होता था तो बिल्कुल नहीं होता था राइट तो इस तरीके से ये हमारी ड्यूटी बनती है कि प्रेजेंट में जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटी कंटिन्यू रखें बट उसकी वजह से जो फ्यूचर जनरेशन के नीड्स हैं वांट्स हैं वो कम्प्रोमाइज ना हो राइट right? उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें कम से कम या बिल्कुल भी एनवायरमेंट को पोल्यूट या डिग्रेड नहीं करना होगा बेसिकली एनवायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा अब हम लोगों ने बात करी ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस की ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस में क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है लैंड डिग्रेड हो रही है तो पूरी दुनिया के लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अदरवाइज जो ह्यूमन रेस है इस प्लानट पे या ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ है प्लैनेट पे वो खतरे में आ जाएगी तो इट लेड टू रियो रियोडी जेनेरियो अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने आ, पहले भी सुना होगा बेसिकली ये क्या है रियोडी जेनेरियो अर्थ समिट क्या है इसमें मेनली दो क्वेश्चन है बेसिकली uh, दो तीन क्वेश्चन बनते हैं मेरे पहले देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले वन मार्कर में क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट 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 इंटरनेशनल अर्थ समिट कब और कहां हुई थी यह पूछ सकता है दूसरा क्वेश्चन इस पे यह बन सकता है कि जो फर्स्ट अर्थ समिट थी उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे एंड इसके आउटकम्स क्या निकले जो रियो डी जेनेरियो में जो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी उस पर ये तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं या एक टू मार्कर या थ्री मार्कर क्वेश्चन ये भी आ सकता है एक कमेंट ऑन रियो डी जेनेरियो तो देखते हैं पहला है इन जून 1992 आप समझ लीजिए आज 2023 है तेईस मीन्स 2023 चल रहा है 23 इयर्स इधर और 8 इयर्स बैक मींस 31 इयर्स पहले ही लोगों को पता चल गया था पता तो उससे पहले भी चल गया होगा कंसेंसस बनने में टाइम लगा होगा ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन के जो साइंस थे सिम्टम्स हैं वो दिखने लग गए होंगे लोगों को तो इसको देख लेते हैं जून 1992 में मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स देखिए मेजॉरिटी आई थिंक दुनिया में वन नाइनटी टू या वन नाइनटी थ्री कंट्रीज हैंट रॉन्ग तो इतने लोगों ने नाइनटी टू में रियलाइज कर लिया और अर्थ समिट हुई और अर्थ समिट का जो एम क्या था द समिट वॉज द समिट वॉज कन्वीन फॉर क्यों कन्वीन कर गई अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल लीडर्स को लोगों को इस चीज का एहसास हो गया था कि भाई सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो जरूरी है बट नॉट एट कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है तो ये एम था रियो डी जेनेरियो में जो फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी अब जो रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुई उसका क्या आउटकम निकला आइए देखते हैं द असेंबल्ड लीडर्स असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है ध्यान देना आप लोग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लोगों ने यह डिसाइड किया कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रही है उसका जो बैड इफेक्ट्स है दुनिया के हर देश पर पड़ेगा कहीं कम पड़ सकता है कहीं ज्यादा पड़ सकता है बट पड़ेगा हर देश पर तो इसके लिए क्या करना है हमें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं उसको बचाना है बाय प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट एंड जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है यानी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करना है क्योंकि हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट्स होते हैं एनिमल्स होते हैं एंड इको में सबका इंपॉर्टेंट रोल है अगर बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है तो कहीं ना कहीं ये ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स पे भी ये बैड इम्पैक्ट डालेगा सो पहला हम लोगों ने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को प्रोटेक्ट बायो बेसिकली बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात लोगों ने महसूस करी लीडर्स ने साइन किया एंड रियो कन्वेंशन एंडोस्ड एंड ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल बेसिकली अगर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो हमें अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही होगा दुनिया के हर देश को एवरी कंट्री ऑफ द इन द वर्ल्ड को एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ही होगा उसके लिए फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है राइट एंड एंड इसी रियो कन्वेंशन में ही कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ने एडॉप्ट किया एजेंडा ट्वेंटी वन और अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बेसिकली इसके आउटकम मेनली अगर हम लोग देखें तो क्या था पहला ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो नेगेटिव चेंजेस हो रहे हैं उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एजेंडा ट्वेंटी वन एजेंडा ट्वेंटी वन को एडॉप्ट करके हम लोग अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आइए देखते हैं कि एजेंडा ट्वेंटी में क्या क्या है उससे पहले हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं रियो डी जिन्हें रियो अर्थ समिट का हम लोगों ने एम्स देख लिया एम क्या है एम एक ही है कि जो अर्जेंट प्रॉब्लम है वो क्या है एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन उसको हमें किसी भी कॉस्ट पे करना है साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ग्लोबल लेवल पे चलता रहना चाहिए सोसाइटी का हर सोसाइटी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए और उसके बाद जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जो मेन आउटकम्स हैं वो हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायो डाइवर्सिटी बेसिकली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट uh, करना है एंड हमें फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है तभी हम एनवामेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो आइए देखते हैं एजेंडा ट्वेंटी क्या है तो एजेंडा ट्वेंटी वन है हमारा आइए देखते हैं ये रहा हमारा एजेंडा ट्वेंटी वन सो बेसिकली एजेंडा ट्वेंटी वन इज द वे टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा ट्वेंटी वन में क्या है पहले देखते हैं एजेंडा ट्वेंटी वन इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन नाइनटीन नाइनटी टू इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील ओनली हम देख लेते हैं ब्राजील साउथ अमेरिका की एक कंट्री है ब्राजील एंड रियो डी जेनेरियो यहां पड़ता है ये आपके ज्योग्राफी के मैप के क्वेश्चन में आ सकता है दो तरीके से एक तो ये ब्लैक तरह का डॉट आपको मिलेगा बोलेगा आइडेंटिफाई द प्लेस एंड लेबल इट और दूसरा आ सकता है कि भाई फर्स्ट अर्थ समिट कहा हुई थी उस प्लेस को आइडेंटिफाई करिए और लेबल करिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो जोग्राफी में मैप वाला क्वेश्चन है वो टू मार्क्स का आता है और हिस्ट्री में आपका जो मैप वाला क्वेश्चन है वो थ्री मार्क्स का आता है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं सो so बेसिकली अच्छा ये जो एजेंडा ट्वेंटी वन की जो डिक्लेरेशन हुआ था वो किस इंटरनेशनल बॉडी के अंतर्गत हुआ था किस इंटरनेशनल बॉडी ने कंडक्ट कराया था बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की एक ब्रांच है जो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट पर यहां पे भी देखिए दोनों ना तो हम एनवायरमेंट को छोड़ सकते हैं पीछे ना तो हम डेवलपमेंट को अब इसका यू एन का फुल फॉर्म आप देखिए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर्म ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट बेसिकली दोनों साथ साथ चलते हैं डेवलपमेंट भी हमारे लिए जरूरी है हमारे लिए एनवायरमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ना तो हम डेवलपमेंट छोड़ सकते हैं ना तो हम एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन को छोड़ सकते हैं राइट right? अच्छा इसका एम क्या है एजेंडा ट्वेंटी वन का एम क्या है एजेंडा ट्वेंटी वन का एम है अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी दुनिया भर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए दुनिया के हर कंट्री को इसके लिए कोशिश करना पड़ेगा अपने अपने रेस्पेक्टिव कंट्रीज की uh, में रेस्पेक्टिव कंट्रीज की गवर्नमेंट को कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड बी देयर बट साथ ही साथ एनवायरमेंट का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए राइट और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी कंप्रोमाइज किसी भी फॉर्म में नहीं होना चाहिए उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे फोर फादर्स ने इस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज किया हमारे लिए तो ये बचा ही नहीं राइट अब देखते हैं एजेंडा ट्वेंटी वन इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज यानी हमको हम लोग एनवायरमेंट को डैमेज होने से बचा सकें पॉवर्टी डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन अब कोरोना के बात तो आ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेसिकली हम सभी को समझ में आ गया है कि भाई कुछ ऐसे डिजीज इससे पह, इससे पहले भी ऐसी इस तरह की डिजीज आ चुकी हैं जिनमें ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत पड़ी थी हालांकि उस समय वर्ल्ड इतना इंटरकनेक्टेड नहीं था जितना कि आज है राइट तो कुछ ऐसी डिजीज़ेस होती हैं एंड एनवायरमेंट तो ठीक ही है कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए या कंटेन करने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है और जहाँ जो कॉमन इंटरेस्ट हैं ये तो सबका कॉमन इंटरेस्ट है ना कि इकोलॉजिकल बैलेंस ना बिगड़े ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े कोई एक कंट्री के किसी एक कंट्री को कोशिश करने से ग्लोबल वार्मिंग रुक नहीं सकते ना सब दुनिया के सारे देशों को इकट्ठे कोशिश करनी पड़ेगी म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर से एक बार इस को देखते हैं एजेंडा ट्वेंटी इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट टू कंटेन टू प्रो टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डैमेज पॉवर्टी को भी कंट्रोल करना है डिजीजे को भी कंट्रोल करना है थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन ठीक है दुनिया के सारे देश मिलकर के क्या क्या करेंगे एनवायरमेंट को डैमेज होने से रोकेंगे पॉवर्टी को भी रोकेंगे और डिजीज <laughs> को भी रोकेंगे इसके लिए ग्लोबल कॉपरेशन बहुत जरूरी है उन मामूलों में ग्लोबल कॉपरेशन बहुत जरूरी है जहां पर कॉमन इंटरेस्ट हैं एंड म्यूचुअल नीड्स हैं और इसमें दुनिया की कोई कंट्री मना नहीं कर सकती शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हर कंट्री को अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होगी प्ले करनी होगी अपना अपना रोल एंड मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा ट्वेंटी वन क्या है एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा ट्वेंटी वन बेसिकली लोकल गवर्नमेंट जैसे लोकल गवर्नमेंट में जैसे हम लोगों के रूरल एरियाज में होती है लोकल गवर्नमेंट ग्राम सभा ग्राम पंचायत अर्बन एरियाज में अर्बन बॉडीज होती हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं उस लेवल पे काम करने की ज़रूरत है तभी हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे डिजीज को कंटेन कर पाएंगे राइट तो इस एजेंडा ट्वेंटी की सबसे बड़ी अचीवमेंट अचीवमेंट तो बेसिकली अभी कितनी हुई है बट शुरुआत तो हुई है लोगों में अवेयरनेस तो फैली है दुनिया के देशों में एंड uh, हर कंट्री के सिटीजन्स में अवेयरनेस तो बढ़ी है टूवर्ड्स टूवर्ड्स यू नो द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट तो आज एक, एक हम लोग फिर से एक बार क्विक रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस मेजर प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द इनडिसक्रिमिनेट यूज ऑफ resources, उसके बाद हम लोगों ने अर्थ समिट पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने एजेंडा ट्वेंटी वन पढ़ा एंड इसके साथ ही साथ हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी पढ़ा राइट right? तो दोस्तों ये वीडियो का आपको कैसी लगी कमेंट uh, बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप लोगों को फायदा कितना फायदा हो रहा है पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग थैंक यू सो मच